अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज साकिब एंड आई वेलकम यू टू दिस बैच दैट इज उकाब 1.0। सो जैसा आपको पता है, हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9th का। सो हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है, सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। तो आज हम देखेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ व्हाट इज द, पहले हम चीज देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है हमारे पास। वी नो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहां पर हमारा क्या होता है ए बी सी आर रियल नंबर। क्या होते हैं ए बी सी आर रियल नंबर, और यहां पर आपका जो ए है, ए एंड बी जो है वो एट अ टाइम जीरो नहीं होने चाहिए, ए एंड बी वो शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो क्या होता है हमारे पास ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, क्या होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां पर हमारे पास ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स और ए एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो बोथ एट द सेम टाइम। जब भी हम ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं, सो याद रखना ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ ग्राफ वी नीड टू हैव एटलीस्ट टू सोल्यूशन। क्या लिखोगे इन नोट, क्या लिखोगे इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ ग्राफ, इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ ग्राफ वी नीड टू हैव, इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ ग्राफ वी नीड टू हैव एट लीस्ट कितने सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन। सो क्या मैंने कहा, इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ ग्राफ, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ ग्राफ वी नीड टू हैव एट लीस्ट, जो सॉल्यूशंस होने चाहिए वो मेरे पास दो होने चाहिए। एट लीस्ट मतलब मिनिमम दो, मैक्सिमम कितने भी सॉल्यूशंस आप ले सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं और पहला ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। नाउ सी हियर, फर्स्ट इज हियर एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हमें पहले इसके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। तो देखिए यहां पर बच्चों, सॉल्यूशन में क्या देखा करोगे आप, यहां पर देख रहे हो y का कोएफिशिएंट जो है वो 2 है और x का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, बिकॉज कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसका मतलब 2 जो है, 6 जो है वो डिविजिबल बाय 2 भी है, 6 जो है वो डिविजिबल बाय 1 भी है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y भी 6 को डिवाइड करेगा और कोएफिशिएंट ऑफ x भी 6 को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब आप x रखो लेफ्ट साइड में या y रखो लेफ्ट हैंड साइड में, आपको एक इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। सो यू विल राइट हियर, क्या लिखोगे 2y इज इक्वल टू, ये x इस साइड आ जाएगा तो दिस विल बी ओवर 6 माइनस x। अब यहां पर देखो 2 इंटू वाई है, क्या है 2 इंटू वाई है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में y है राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो वो अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है 2 इंटू वाई है राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो वो डिवाइड में आ जाएगा। सो दिस विल बी योर y इज इक्वल टू 6 माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो ये 6 जो है 6 डिवाइड बाय 2 है, माइनस x डिवाइड बाय 2 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, तो मतलब दोनों के डिविजन में 2 है यहां पर। सो आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू 6 बाय 2 माइनस x बाय 2। सो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो y क्या आ गया हमारे पास 3 माइनस x बाय 2। अब क्या आ गया y 3 माइनस x बाय 2। अब देखिए यहां पर बच्चों, मेरे पास y क्या है 3 माइनस x बाय 2, तो अब यहां पर मैं x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगा, मुझे y की वैल्यूज निकलेंगी और इसी तरीके से मुझे अपना सॉल्यूशंस निकलेंगे, जिनकी मदद से मैं ग्राफ को ड्रॉ करूंगा। नाउ लेट्स प्लॉट दिस, लेट्स प्लॉट।
अब देखिए यहां पर, तो मेरा वाई किसके बराबर आ गया, 3 माइनस एक्स बाई टू। फर्स्ट केस में ए पार्ट, इसका ए पार्ट, अगर मैं एक्स को जीरो रखूंगा, क्या रखूंगा एक्स को, जीरो, सो ये क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 0/2। सो 0/2 क्या होता है, जीरो, सो वाई क्या आ जाएगा, 3। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर अब एक लाइन ड्रॉ करूंगा बीच में, आप देखिए यहां पर, तो अगर यहां पर ये एक्स है और ये वाई है, तो मैंने एक्स क्या रखा, जीरो, वाई क्या आया, 3। ठीक है, एक्स रखा मैंने जीरो, वाई क्या आया, 3। अब बी पार्ट में देखिए, एक्स रखूंगा मैं यहां पर, देखो यहां पर डिवाइड बाय टू है ना, तो एक्स आप क्या करोगे, एक्स रखोगे मल्टीपल ऑफ टू, यहां पर क्या आपका डिवाइड बाय टू, एक्स रखोगे मल्टीपल ऑफ टू। टू के टेबल में क्या आता है, टू वन जार टू आता है, टू टू जार फोर, टू थ्री जार सिक्स, मतलब मल्टीपल ऑफ टू आप एक्स के वैल्यूज रखोगे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, ताकि आपका जो वाई है वो फ्रैक्शन में ना आ जाए, इंटीजर में आ जाए, क्योंकि इंटीजर को ग्राफ में प्लॉट करना इजी हो जाता है। नाउ अब क्या है, मैंने कहा वाई एक्स को रखो यहां पर टू, सो व्हाट विल बी योर वाई, सो दिस विल बी योर वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, क्या है यहां पर, टू डिवाइड बाई टू, सो ये और ये कैंसल, 3 माइनस 1 इज योर इक्वल टू 2। तो इसका मतलब एक्स 2 है तो वाई भी क्या आ जाएगा यहां पर, वाई भी यहां पर 2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद सी, अगर मैं अब एक्स यहां पर 4 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, 4, एक्स 4, तो वाई क्या आ जाएगा, वाई विल बी और इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई टू, दैट इज वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4/2, सो दिस विल बी ओवर 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 3 माइनस 2 इज ओवर इक्वल टू 1, सो वाई क्या आया यहां पर, 1 आया। अब डी पार्ट देखिए, डी पार्ट, अब अगर मैं एक्स यहां पर 6 लूंगा, 6 क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है ना, तभी मैं लिख रहा हूं, मैंने क्या कहा, एक्स को मल्टीपल ऑफ 2 लो, यहां पर आप एक्स को तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन सिंपल हमारा ग्राफ इंटीजर में, अगर हम इंटीजर वैल्यू लेंगे तो हम ग्राफ को इजी प्लॉट कर सकते हैं, तभी मैं यहां पर एक्स को मल्टीपल ऑफ 2 ले रहा हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6/2, सो ये क्या आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, सो 3 माइनस 3 विल बी और इक्वल टू 0। सो ये क्या आ गया, अगर मेरा एक्स 6 है, वाई विल बी और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आप, अब मुझे इसको प्लॉट करना है, सॉल्यूशंस आ गए हैं ना, फिर प्लॉट करना तो बहुत ही इजी है, निकालना क्या आना चाहिए, सिर्फ सॉल्यूशंस निकालने आने चाहिए, जो मैंने आपको यहां पर दिखा दिए। नाउ लेट्स सी, तो मैं पहले क्या करूंगा, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करूंगा जिसमें मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस होंगे। ठीक है, तो फिर मैं यहां पर एरो दिखाऊंगा, एरो का मतलब क्या होता है कि इसको मैं फर्दर एक्सटेंड कर सकता हूं, यहां से भी एरो दिखाऊंगा, दैट मीन्स इसको आई कैन एक्सटेंड इट फर्दर, ऊपर से भी एरो, नीचे से भी एरो, विच मीन्स आई कैन एक्सटेंड इट फर्दर। ठीक है बच्चों, नाउ सी, अब ये मेरा जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसको मैं जीरो रखूंगा। ठीक है, तो ये होता है मेरा एक्स, ये होता है मेरा एक्स डैश, ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश। जब मैं, ये मेरा ओरिजिन है ना, जब मैं ओरिजिन के राइट साइड गया तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई, जब मैं ओरिजिन के लेफ्ट साइड जा रहा हूं एक्स की नेगेटिव वैल्यू आएगी, जब मैं ओरिजिन के अपवर्ड जाता हूं तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, जब मैं ओरिजिन के डाउन साइड जाता हूं तो वाई की वैल्यू नेगेटिव है। अब देखो, देखा करो कि हमें एक्स पर कहां तक जाना है, हमें यहां पर एक्स में कहां तक जाना है, 6, और वाई में कहां तक जाना है, 3, तो उतने ही पॉइंट लिया करो, एक्स में 6 तक जाना है, सो आप लिखोगे यहां पर 1,
देखो यहाँ पर मेरे पॉइंट जो है ना, मैं ऐसे ही रैंडमली ले रहा हूँ पॉइंट, लेकिन आपको ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर में आपको लिखना है ऑन एक्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऑन वाई 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जो भी आप वहां पर स्केल ले रहे हो। स्केल क्यों हम लेते हैं, कभी कभी यार आपके पास बहुत ही बड़े वैल्यू होते हैं तो उसको आप ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट नहीं करोगे ना, फिर तो उसी के लिए हम स्केल लिखते हैं। आप लिखते हो 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, वो कैसे आप लिखते हो, स्केल की मदद से ना। सो स्केल हम क्यों यूज करते हैं, स्केल हम यूज करते हैं सो दैट हम अपने एक ग्राफ को, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन को एक ग्राफ पेपर दिखा पाए। अगर हम 200 सेंटीमीटर ग्राफ पेपर पर हम दिखा सकते हैं, अगर हम ऐसे ही लेंगे नहीं, तभी हम लेते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर ऑन स्केल, ठीक है। सो वो इसलिए स्केल का यूज होता है। सो यहां पर आप क्या करोगे, ऑन 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटा वैल्यू है। सो दिस विल बी 1। देखो यहां पर मैं रैंडमली पॉइंट्स ले रहा हूं, लेकिन आपको जैसे आपने जो 0 और 1 के बीच में डिस्टेंस ली ना, वही आपको 1 और 2 के बीच में भी लेना है, वही आपको 2 और 3 के बीच में भी लेना है, वही आपको 3 और 4 के बीच में भी लेना है, वही आपको 4 और 5 के बीच में भी लेना है, और 5 और 6 के बीच में भी सेम डिस्टेंस लेनी है। ये नहीं हो कि 1 और 2 के बीच में एक डिफरेंस, एक डिस्टेंस 2 और 3 के बीच में दूसरी डिस्टेंस, नहीं वैसे नहीं चलेगा ना। वाई पे कहां तक जाना है, दिस इज योअर 1, दिस इज योअर 2 एंड दिस इज योअर 3। वाई में हमें कहां तक जाना था, वाई में हमें 3 तक जाना था। पहला पॉइंट क्या है, x0 y3। पहला पॉइंट क्या है, देखो ऐसे देखा करो, ऊपर क्या है x0, नीचे क्या है y3। सो फर्स्ट क्या होगा, 0, 3, ये होगा फर्स्ट सॉल्यूशन, 0, 3। सो अगर x0 है y3 है, तो इसका मतलब पॉइंट विल बी लाइंग ऑन y एक्सिस। किस पर पॉइंट लाई करेगा, दैट विल बी ऑन y एक्सिस। सो ये क्या होगा आपका x0 y3। इसके बाद हमारे पास पॉइंट क्या है, x2 y2। सो ये भी 2, ये भी 2, ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन। सो x2 है, y भी 2 है, तो पॉइंट जो है आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कैसे अगर किसी बच्चे को डिफिकल्टी होती है ना, 2 से यहां लाओ लाइन और यहां तक 2 तक ले जाओ, ठीक है, और यहां से नीचे से भी इसको 2 से जहां पर ये मिल जाएगा, सो वो होगा आपका पॉइंट। सो ये पॉइंट क्या है आपका, ये वाला, ठीक है ना। फिर इसको रब कर सकते हो, ये रब, सो बचा क्या यहां पर 2, 2, x2 y2। इसके बाद हमारे पास क्या है, x4 y1। x क्या है 4, y क्या है 1, तो यहां पर आ जाएगा कहीं पॉइंट। अगेन मैं कह रहा हूं बच्चों, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, तो मेरे पॉइंट्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आपके एग्जैक्ट आने चाहिए। x4 y1 एंड नेक्स्ट इज x6 y0। तो अगर x6 है, y0 है, तो इसका मतलब जो पॉइंट है दैट लाइज ऑन x एक्सिस। तो दिस इज x6 y0। जरा इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो, ओके बच्चों। सो आप क्या कहोगे अब, अब देखो यहां पर ये मेरी इक्वेशन ऑफ द लाइन बन गई। किस लाइन की इक्वेशन, क्या था आपका लाइन, सो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या थी आपकी, x+2y=6। सो यहां पर ऐसे फिर इसको एरो मार्क दिखाकर किसकी किसका ग्राफ है आपका, x+2y=6। सो ये ग्राफ आपकी किस इक्वेशन का है, x+2y=6। सो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, जब मैंने इसके, मैं दो सॉल्यूशन पर भी ग्राफ ड्रॉ कर सकता था, लेकिन समझाने के लिए मैंने 4 सॉल्यूशन लिखा है, और जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो ये क्या बन रहा है यहां पर, जब इनको ज्वाइन कर रहा हूं आई विल गेटिंग द स्ट्रेट लाइन। सो इससे मुझे 3 पॉइंट्स निकलते। पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट है जो भी इस लाइन पर पॉइंट है, जो भी इस लाइन पर पॉइंट है ना, ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन सेटिस्फाइज
द इक्वेशन. समझाऊंगा अभी, आप टेंशन नहीं लेना. ऑल पॉइंट ऑन दिस लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन. दूसरा क्या है, 0.3, 2.2, 4.1, 6.1, 6.0 will be the solution of the given equation. Will be the solution of will be the solution of given equation. थर्ड क्या लिखोगे, इफ अ पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. इफ अ पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन इट डजंट सेटिस्फाई द इक्वेशन. इट डज नॉट सेटिस्फाइज the equation. It does not satisfy the equation of line. देखिए क्या मतलब है, all points on this line satisfy the equation. मतलब जितने भी points है, जैसे 0.3, 2.2, 4.1, 6.0, अगर कोई point यहां पर होता, अगर कोई point में है, यहां पर लूंगा कोई point, आप उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढोगे. कैसे, यहां से एक लाइन पैरेलल करोगे ड्रॉ एक्स एक्सिस के, यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल वाई एक्सिस के, और यहां पर आपको एक पॉइंट, एक सॉल्यूशन मिलेगा. जो जितने भी पॉइंट इन पॉइंट्स के अलावा जितने भी पॉइंट इस लाइन पर पड़ेंगे ना, उनके आप कोऑर्डिनेट जुड़ोगे इजिली बाय प्लॉटिंग दैम. सो जितने भी पॉइंट इस लाइन पर पड़ेंगे ना, सारे के सारे पॉइंट सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेंगे, सारे के सारे पॉइंट सॉरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. जैसे 0.3, 2.2, 4.1, 6.0, ये सारे पॉइंट इस लाइन पर पड़ रहे हैं ना. देखो अगर मैं ले रहा हूं 0.3, जरा रखो यहां पर x0, y3, 0, 2 into 3 is 6, 6 is equal to 6. अब यहां पर x2, y2, जरा रखो x2, y का क्या है 2, 2 to the 4, 4 plus 2 is 6, x4, y1, 4 plus 2 क्या आएगा 6. सो जितने भी पॉइंट्स आप इस ग्राफ पर देख रहे हो ना, इस ग्राफ पर देख रहे हो ना, इन चारों के अलावा भी अगर जितने भी पॉइंट्स आप इस ग्राफ पर डालोगे, सारे के सारे आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, नाउ इफ अ पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन, मैं कह रहा हूं कोई पॉइंट यहां पर है, मैं कह रहा हूं क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं. अगर कोई पॉइंट लाइन पर, इफ अ पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन, इफ अ पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन, ये हमारी ग्राफ है ना, अगर इस पर पॉइंट नहीं लाई करता है, अगर मैं कोई पॉइंट यहां पर ड्रॉ करूंगा, क्या ये वाला पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे ना कुछ, एक्स कॉमा वाई होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा एक्स और वाई का, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, नहीं. अगर मेरा पॉइंट जो है वो लाइन पर नहीं लाई कर रहा है, इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. आई होप ये तीनों पॉइंट आपने नोट किए होंगे और आपको ग्राफ का समझ आ गया. अब बस क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस करते जाओ, जितना भी करना है करो. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अब प्रैक्टिस है हमारे लिए, ठीक है. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, क्या है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 सॉल्यूशन. सो यहां पर देखिए, यहां पर भी आप देख रहे हैं x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब 7 तो दोनों से डिविजिबल होगा, इसलिए आप लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो यू विल राइट हियर y इज इक्वल टू 7 माइनस. चलिए आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो यहां पर मैं दो ही सोल्यूशन लूंगा, ठीक है, दो ही सोल्यूशन लूंगा यहां पर, क्योंकि हमारा ग्राफ जो है वो दो सोल्यूशन से भी ड्रॉ होता है. जो मैंने पहले दिखाया था वो आपको समझाने के लिए था, जब तक नहीं बताया कितने सोल्यूशन निकालने हैं, आप दो सोल्यूशन में भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, उसमें आपको एग्जामिनर चैलेंज नहीं कर सकते. सो दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई. तो देखिए अगर मैं एक्स रखूंगा यहां पर 0, ठीक है, तो ए पार्ट वाई किसके बराबर आ जाएगा 7 माइनस 0, दैट इज योर इक्वल टू 7, x 0 y 7. ठीक है, अब अगर मैं यहां पर x रखूंगा 7, तो b पार्ट y किसके बराबर आ जाएगा 7 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 0. सो यहां पर क्या मैंने रखा, x रखा 7, तो y किसके बराबर आ गया, y आ गया 0.
तो मेरे पास दो सोल्यूशन एनफ होते हैं, मिनिमम दो सोल्यूशन होने चाहिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए. नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. सो लेट्स ड्रॉ इट हियर साइड में. ठीक है, पहले मैं एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ ना, यही हमने सीखा. अब देखो यहां पर, सो यहां पर मैं रखूंगा वन वन, इसके बाद टू, इसके बाद थ्री, इसके बाद फोर, फाइव, सिक्स और सेवन. क्यों ले रहा हूं मैं सेवन तक? क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस पर सेवन तक ही जाना है और वाई एक्सिस पर भी मुझे सेवन तक ही जाना है. ये होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. और वहां पर लिखोगे ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो इसी तरीके से आप यहाँ से नेगेटिव वैल्यूज भी दिखा सकते हो अगर आप चाहो. माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एंड सो ऑन. यहाँ से आप नेगेटिव वैल्यूज दिखा सकते हो. माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एंड सो ऑन. ठीक है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन को हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं. तो पहला क्या है, एक्स जीरो वाई सेवन. अगर एक्स जीरो है तो इसका मतलब पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, याद रखना, इफ एक्स इज जीरो पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस. ये क्या है हमारे पास, एक्स जीरो वाई सेवन. इसके बाद क्या है, एक्स सेवन वाई जीरो. अगर वाई जीरो है तो पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस. अब जरा इनको ज्वाइन करो. ओके, लेट ज्वाइन देम. तो ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. किसका ग्राफ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन. किसका है ये, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन. क्या इसके सिर्फ दो ही सोल्यूशन है? नहीं, जितने भी पॉइंट इस लाइन पर लाई करेंगे, जितने भी पॉइंट, चाहे कोई यहां पर लाई करे, चाहे कोई पॉइंट यहां पर लाई करे, कोई पॉइंट चाहे यहां पर लाई करे, ठीक है, कोई पॉइंट चाहे यहां पर लाई करे. सो ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, जितने भी पॉइंट्स आपको इस लाइन पर मिल रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आपके सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन होंगे, दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन. मैंने तो यहां पर दो ही सोल्यूशन दिखाए. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे सिर्फ दो सोल्यूशन चाहिए, लेकिन जितने भी पॉइंट्स इस ग्राफ पर लाई करेंगे, सारे के सारे पॉइंट जो है, दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट. Now, next is 3x plus 4y is equal to 12. क्या है हमारे पास? So, solution start करेंगे. मुझे अब x और y की वैल्यू निकालनी है. देखो, y का कोएफिशिएंट भी 12 को डिवाइड करता है और x का कोएफिशिएंट भी 12 को डिवाइड करता है. So, मैं x रखूं लेफ्ट साइड में या y रखूं लेफ्ट साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता. So, I can write here 4y is equal to 12 minus 3x. ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, वाई विल बी इक्वल टू माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई फोर. अब वाई किसके बराबर होगा, 12 डिवाइडेड बाई फोर माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई फोर. अब देखो, फोर वन जार फोर, फोर थ्री जार ट्वेल्व. सो वाई किसके बराबर होगा, थ्री
माइनस 3x डिवाइडेड बाय। अब देखो यहां पर मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं एक x और y की वैल्यू लिखूंगा, फिर ग्राफ बनाऊंगा मैं। सो लेट मेक, मैं इतने बुक्स बना रहा हूं, फिर देखते हैं कितने वैल्यूज हम निकालेंगे, वो हम पर डिपेंड है। ठीक है नाउ, अब देखो यहां पर पहले ए पर एक्स और वाई, तो यहां पर देखो डिनोमिनेटर में क्या है, फोर। तो ये एक्स जो है ना, या मल्टीपल ऑफ फोर रखना, क्या रखोगे, मल्टीपल ऑफ फोर। यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, फोर। एक्स जब आप मल्टीपल ऑफ फोर रखोगे ना, दैट इज फोर वन फोर, फोर टू जार एट, तो आपका वाई जो है इंटीजर में आ जाएगा और आपका ग्राफ जो है ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। अगर मैं एक्स रखूंगा जीरो, सो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइड बाई 4, तो वो तो 3 आ जाएगा ना, एक्स 0 वाई 3। बी पार्ट, अगर मैं एक्स रखूंगा मल्टीपल ऑफ फोर, क्या होता है, फोर वन जार फोर, अब फोर रखूंगा, एक्स 4 वाई किसके बराबर, 3 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4। सो 4 और 4 कैंसल, सो दिस विल बी योर इक्वल टू क्या जाएगा, सो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स 4, यस एक्स 4 और वाई 0, क्या हो गया मेरा, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3 एक्स, सो एक्स 4 3 4 12, सो आएगा 0। अब यहां पर सी, अब जरा मैं x को 8 रखूंगा, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4, सो क्या होगा, 4 वन जार 4, 4 टू जार 8, सो दिस विल बी y इज इक्वल टू 3 माइनस 6 विल बी इक्वल टू -3, सो x इज 8, 3 8 जार 24, सो 24 एंड वी हैव 4 इनटू -3 इज -12, 24 -12 विल बी 12 ओनली, सो ये होगा एक्स 8, वाई विल बी योर इक्वल टू -3। ठीक है, सो आप इतना भी रख सकते हो, चलो 4 भी निकाल सकते, लेकिन आप दो, हम दो पॉइंट्स पर सॉल्यूशन अपने निकालेंगे। डी, सो एक्स इज इक्वल टू योर एक्स रखे आप 12, सो एक्स इज इक्वल टू 12, y किसके बराबर होगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई, सो क्या आ जाएगा, 4 वन 4, 4 3 12, 3 इंटू 3 इज 9, सो 3 माइनस 9 विल बी योर इक्वल टू -6। ओके, सो दिस विल बी योर 3 इंटू 12 इज 36, 4 इंटू -6 इज -24, 36 माइनस 24 विल बी इक्वल टू 12। अब जरा ग्राफ ड्रॉ करिए, सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ में दो सॉल्यूशंस को लेकर ड्रॉ करूंगा, ठीक है बच्चों, आई विल ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग टू सॉल्यूशंस ऑनली, क्योंकि मुझे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिर्फ दो ही सॉल्यूशन चाहिए ना। देखिए अब मेरे पास क्या है, एक्स को मैं 12 तक ले सकता हूं, बट मैं यहां पर दो ही सॉल्यूशन की मदद से एक्स का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। सो दिस विल बी योर वन टू 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए यहां पर
सो वी हैव हियर एक्स फोर एक्स जीरो वाई थ्री, पहले क्या है? सो यहां पर वाई भी लेंगे पहले, वन टू थ्री फोर फाइव। अब यहां से क्या लेंगे हम? माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। यहां से हम क्या लेंगे? माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर और माइनस फाइव। सो अब देखिए यहां पर एक्स जीरो वाई थ्री, इसका मतलब एक्स जीरो वाई थ्री, सो पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस। ये होगा मेरे पास एक्स, एक्स डैश, ये होगा मेरे पास वाई, वाई डैश। सो एक्स जीरो वाई क्या आएगा मेरे पास? थ्री। सो दिस विल बी माई पॉइंट। क्या है पहला? एक्स जीरो वाई थ्री। एक्स जीरो वाई थ्री। सेकेंड पॉइंट क्या होगा मेरे पास? एक्स फोर वाई जीरो। एक्स फोर, मैं इन्हीं दो पॉइंट्स की मदद से ग्राफ को ड्रॉ करूंगा, ठीक है? नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। हो जाइए, तो ये होगा आपका ग्राफ। तो याद रखना एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन, जितने भी पॉइंट इस लाइन पर होंगे सारे के सारे इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। इस लाइन पर कौन कौन से पॉइंट आएंगे? 8 माइनस 3 आएगा, 12 माइनस 6। सो इस लाइन पर हमारा 8 माइनस 3 भी आएगा, 12 माइनस 6 भी आएगा। सो मैंने दो सॉल्यूशंस को लेकर अपना ग्राफ ड्रॉ किया है। सो व्हाट वाज द इक्वेशन? 3x plus 4y is equal to 12. 3x, सो 3x plus 4y is equal to 12 वाज आवर ग्राफ। 3x plus 4y is equal to 2, ये हमारा था यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो यहाँ पर देखो, अगर मैं एक्स को जीरो रखूंगा, थ्री इंटू जीरो जीरो, फोर थ्री जार ट्वेल्व, ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेल्व। अगर मैं एक्स को फोर रखूंगा, थ्री फोर जार ट्वेल्व, फोर इंटू जीरो, ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेल्व। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं एक्स को एट रखूंगा और वाई को थ्री, थ्री एट जार ट्वेंटी फोर, फोर देखो थ्री इंटू एट प्लस फोर इंटू माइनस थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व आना चाहिए ना। थ्री एट जार ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेल्व, सो ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेल्व। सो आप क्या कह रहे हो? एवरी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, चाहे वो यहां पर हो पॉइंट, चाहे वो यहां पर हो, यहां नेगेटिव में भी जाएगा, यहां पर हो पॉइंट, यहां पर हो पॉइंट। सो एवरी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ विल सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। ओके, अब हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव। देखो इसको मैं आपको बस दिखाऊंगा कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालूंगा, आप खुद ड्रॉ करोगे। सो क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव। अब देखो यहां पर कोऑप्शन ऑफ वाई जो है ना, वन है, जिससे फाइव डिजिबल है। तो मैं लिख सकता हूं ना यहां पर ऐसे, सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा यहां पर? 3x, सो इस फाइव को अगर इधर लाऊंगा, माइनस फाइव इज इक्वल टू वाई। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वाई इज इक्वल टू 3x माइनस फाइव, ठीक है? अब यहां पर मैं x के जो भी वैल्यूज पुट करूंगा मुझे y के वैल्यूज मिलेंगे। लेट सी दिस, देखिए यहां पर x, यहां पर y। अगर मैं x का जीरो रखूंगा, x इज इक्वल टू जीरो, तो y किसके बराबर आ जाएगा? थ्री इंटू जीरो माइनस फाइव, सो दैट इज माइनस फाइव। सो एक्स जीरो वाई माइनस फाइव, ठीक है? सो एक्स जीरो वाई क्या आएगा? माइनस फाइव। ये ए हो गया। अगर मैं अब बी, एक्स को रखूंगा वन, यहां पर क्या बी पार्ट में क्या करूंगा? एक्स को रखूंगा वन, एक्स इज इक्वल टू यहां पर वन,
तो यहां पर y किसके बराबर आ जाएगा, 3 × 1 − 5, सो दैट इज 3 − 5 = −2, सो दैट इज योर इक्वल टू 3 × 1, सो y किसके बराबर आ जाएगा, 3 × 1, y आएगा यहां पर −2, सो माइनस माइनस प्लस, सो दैट विल बी योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सी में मैं अगर रखूंगा x इज इक्वल टू 2, सो ये क्या आ जाएगा, y विल बी योर इक्वल टू 3 × 2 − 5, 3 × 2 = 6, 6 − 5 = 1, सो दिस विल बी योर 2 एंड दिस विल बी योर 1। अब देखो क्या ये सेटिस्फाई करते हैं, अगर मैं x को 2 रखूंगा y को 1 रखूंगा, जरा देखो यहां पर 3 × 2 − 1 = 5, सो 3 × 2 = 6, 6 − 1 = 5, सो 5 = 5, सो ये आपके पास पॉइंट्स है, सो ग्राफ आप खुद ड्रॉ कर लेना। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, आई होप कि आपको पूरी तरीके से ग्राफ समझ आ गया होगा। सो टिल देन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज एवरीवन।